आज का टॉपिक है वो है सीरीज रेजोनेंस। राजन द इलेक्ट्रिक करंट इन LCR AC series circuit is given by I equals to V divided by Z। याद है लास्ट टाइम करवाया था मैंने तुमको, क्या फॉर्मूला थी जेड yes, की? जेड की फॉर्मूला बोलो, आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। याद है सबको कंप्लीट? Here, current depends on angular frequency of source। यहाँ पे जो I है वो depend करता है omega पे, क्योंकि अगर omega बदलेगा तो I की value क्या होगी? Change होगी। If at particular angular frequency if at particular angular frequency inductive reactance and capacitive reactance become equal, then current becomes maximum। अगर हम ओमेगा की वैल्यू को चेंज करें और एक ऐसा टाइम हो जिसमें एक्स सी इज इक्वल टू क्या हो जाए एक्स एल, यानी कि वन अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू क्या बन जाए ओमेगा एल, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू बदलेंगे तो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू आएगी जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उस वक्त हम ऐसा लिख सकते हैं वन अपॉन एल सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा को सामने मल्टीप्लाई कर दिया एल नीचे डाल दिया तो ओमेगा क्या बन जाएगा वन अपॉन रूट एल सी। तो इस वक्त जो करंट है आई वो हो जाएगा मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम? क्योंकि उस वक्त आर स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा। जीरो इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों सेम हो गए, और अगर ये दोनों सेम हो गए तो बीच में सब्ट्रैक्शन है तो दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? जीरो। अगर जीरो हो गया तो सिंपल बात है करंट की फॉर्मूला क्या बन जाएगी? वी बाय आर। समझ में आई बेटा यहां तक बात? ठीक है, तो दिस फिनोमिनन to make current maximum by change the angular frequency
is known as रेजोनेंस। हम अगर ओमेगा को चेंज करके करंट को मैक्सिमम कर सकते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? रेजोनेंस। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड is known as resonant angular frequency. और इसको हम लोग नाम देते हैं ओमेगा नॉट से। तो याद रखना, सीरीज रेजोनेंस कब होगा? जब हम ओमेगा की वैल्यू चेंज करें, और ऐसे चेंज करें जैसे एक्सएल और एक्ससी सेम हो जाए, उस वक्त करंट हो जाता है मैक्सिमम। तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस, और ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिली इसे नाम देते हैं रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक समझ में आया बेटा बात? कोई डाउट यहाँ तक? यस सर। अच्छा, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो ओमेगा है इसको बदलेंगे तो जरूरी नहीं हर बार ये भी आए, अलग चीजें भी आ सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं ओमेगा को डिक्रीज करता हूं तो एक्स एल और एक्स सी पे क्या फर्क पड़ेगा? बोलो, अगर मैं ओमेगा को डिक्रीज करूंगा तो एक्स एल पे क्या फर्क पड़ेगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि वो ओमेगा पे डिपेंडेंस डायरेक्टली, तो ओमेगा डिक्रीज डिक्रीज, लेकिन एक्स सी में ओमेगा डिवाइड में आता है, तो ये चीज क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ में आया बेटा बात? अगर मैं ओमेगा को इंक्रीज करता हूं तो एक्स एल इंक्रीज होगा, एक्स सी डिक्रीज होगा। समझ में आया बेटा बात? यहां तक किसी को डाउट? यस सर। अब इसमें मतलब हम ओमेगा को चेंज करेंगे तो एक्सएल एक्स में फर्क पड़ेगा, तो हम उसको ऐसे ओमेगा ले आएंगे जहां वो दोनों सेम हो जाए, उसको रेजोनेंस बोलेंगे। लेकिन अगर सपोज करो ओमेगा की वैल्यू छोटी है, ओमेगा की वैल्यू क्या है? छोटी है। छोटी है मतलब एक्स सी बड़ा है, ओमेगा की वैल्यू छोटी है मतलब एक्स सी बड़ा है, एक्सएल छोटा है। अब समझो ये जो एक्स सी है, ये समझो 5 है, 5, ये एक्स सी 5 है, और समझो एक्सएल यानी जो ओमेगा एल है वो 3 है, तो 5 - 3 = 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 4, मतलब फॉर्मूला में आएगा R² + 4। समझ में आया बेटा बात? बेटा अब अगर ओमेगा हम बढ़ा लेते हैं तो ओमेगा बढ़ने से एक्सएल बढ़ जाएगा, एक्स सी कम हो जाएगा। समझो एक्स सी 3 हो गया, एक्स सी 3 हो गया, एक्स एल 5 हो गया, तो 3 - 5 - 2, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर वापस क्या आएगा? 4, तो फिर से वैल्यू आएगी R² + 4। मतलब ये हुआ कि अगर एक्स एल बड़ा हो या एक्स सी बड़ा हो, दोनों में से कोई भी चीज बड़ी हो, ऊपर स्क्वायर है तो हर बार ये पॉजिटिव ही आएगा। अगर हर बार ये पॉजिटिव आएगा तो हर बार ये R² में ऐड होगा, और अगर R² में ऐड होगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। मतलब अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा। समझो हम ये ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ मैंने बनाया, यहां ले लिया हमने ओमेगा, यहां ले लिया हमने करंट। सपोज करो कि यहां पे एक वैल्यू है ओमेगा नॉट, ठीक है। ओमेगा नॉट मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में करंट जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो समझो ये करंट यहाँ पे है मैक्सिमम, इसको हमने नाम दे दिया आईएम, ठीक है, आई मैक्सिमम। अब अगर हम ओमेगा को ओमेगा नॉट से कम करते हैं, कम मतलब लेफ्ट साइड, तो जब हम ओमेगा को डिक्रीज करते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखा था ओमेगा जब डिक्रीज होता है तो एक्सएल डिक्रीज होता है, एक्स ही बढ़ जाता है। मतलब इस पोर्शन में क्या है, एक्स सी जो है वो एक्स एल से बड़ा है। लेकिन अगर हम ओमेगा नॉट से ओमेगा बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, तो इंक्रीज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, एक्स सी एक्स एल से छोटा हो जाएगा, एक्सएल बढ़ जाएगा। मतलब ये हुआ स्टार्टिंग से ओमेगा नॉट तक कैपेसिटर बड़ा है, ओमेगा नॉट से बाद से इंडक्टर बड़ा है। यहां तक क्लियर? लेकिन मैंने तुम्हें यहां बताया कि अगर हम वन अपन ओमेगा सी को 5 ले, ओमेगा एल को 3 ले, तो भी आंसर 4 आता है। या फिर वन अपन ओमेगा सी को 3 ले, ओमेगा एल को 5 ले, तो भी आंसर 4 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लेफ्ट साइड हो कि राइट साइड हो, दोनों में नीचे डिवाइड में कुछ ना कुछ तो आएगा। अगर डिवाइड में कुछ वैल्यू आएगी तो करंट की वैल्यू डाउन हो जाएगी। मतलब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं करंट का, तो वो ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। जहां पे इस पॉइंट पे करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा ओमेगा नॉट पे, और बाकी धीमे धीमे तुम लेफ्ट में रहो, यानी कि इस लो ओमेगा पे रहो कि हाई ओमेगा पे रहो। मतलब यहाँ जो ओमेगा है वो ओमेगा नॉट से कम है, और यहाँ ओमेगा ओमेगा नॉट से ज्यादा है। और ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट तो फिक्स है, 1/√LC। समझ में आई बेटा बात, किसी को डाउट यहां तक? नो सर, दूसरी बात, ये तो हुआ सिंपल ग्राफ कि ओमेगा में कैसा है, लो ओमेगा पे करंट लो रहता है, एक पर्टिकुलर ओमेगा जहाँ पे एक्सएल इजिकल एक्स ही हो जाते हैं, जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, तब आई मैक्सिमम हो जाता है। वापस आगे जाते हैं, वापस आई की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब तो मतलब पावर इजिकल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओमेगा नॉट पे करंट मैक्सिमम है तो पावर भी मैक्सिमम होगा, और अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊं मतलब कि ओमेगा को कम करूं या ओमेगा को बढ़ाऊं, दोनों में करंट डिक्रीज हो रहा है। अगर करंट डिक्रीज होगा, सिंपल बात है, पावर भी डिक्रीज होगा। समझो हम यहां पे आए, इस पॉइंट तक आ गए, और मान लो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे करंट जो है वो Im/√2 है। इस पॉइंट पे भी Im/√2 है, इस पॉइंट पे भी, और यहाँ पे समझो ओमेगा है ω1, और यहाँ पे है जो है उसको बोलेंगे ω2। ठीक है, इस पे करंट Im/√2 है, मतलब इससे कम है, यहां पे भी करंट Im/√2 है, इससे भी कम है, तो पावर क्या बनेगा, वो तो स्क्वायर होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 होगा। मतलब यहां पे जो करंट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, डिवाइड बाय 2।
यानी कि पी बाय टू, मतलब यहां पे जितना भी पावर होगा इस पॉइंट्स पे पावर आधा हो जाएगा, और अगर और नीचे जाएंगे हम लोग तो करंट और डाउन होगा, करंट और डाउन होगा तो पावर भी और डाउन होगा। लेकिन जब सर्किट में पावर बहुत कम होने लगता है ना तो सर्किट वर्क करना बंद कर देता है। सर्किट मोस्टली कहाँ तक वर्क करता है? इस पोर्शन में, इस पोर्शन मतलब हाफ से मैक्सिमम या मैक्सिमम से हाफ, इस पोर्शन में ही वर्क करता है करंट, मतलब कि सर्किट। तो इसमें लिखेंगे इन अबव डायग्राम ओमेगा वन एंड ओमेगा टू नोन एज हाफ पावर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं उसको वर्ड? हाफ पावर पॉइंट्स, ये हाफ पावर पॉइंट्स है। एंड देयर डिफरेंस इज नोन एज हाफ पावर बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं इसको? हाफ पावर बैंडविड्थ मतलब वो होता है ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा। इसको हम नाम क्या देते हैं? हाफ पावर बैंडविड्थ। मतलब किसी भी सर्किट में अगर एलसीआर तीनों कंपोनेंट यूज होते हैं तो उस सर्किट का जो ओमेगा है वो हमेशा इस सिस्टम के अंदर रहना चाहिए, सिस्टम के बाहर जाना नहीं चाहिए। तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं कि जो ओमेगा वन और ओमेगा टू का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ये कम से कम हो। कम से कम होने का मतलब क्या होता है? जो सर्किट है उसका जो कर्व है ना, ये शार्प बने, एकदम शार्प। शार्प समझते हो? मतलब ये जो ग्राफ है ना, कुछ ऐसा ऐसा बनना चाहिए। मतलब यहां पे हाफ पावर मिल जाना चाहिए, शार्पनेस ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा शार्पनेस उतना सर्किट अच्छा वर्क करता है। मतलब डेल्टा ओमेगा कम से कम होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं क्यू वैल्यू ऑफ सर्किट। क्या डिफाइन करते हैं? क्यू वैल्यू ऑफ सर्किट। क्यू का मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर, और जो क्यू वैल्यू है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो क्यू इज इक्वल टू होता है इट्स ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। कैसे डिफाइन करते हैं क्यू इज इक्वल टू? ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा। जो ओमेगा नॉट है वो वन अपॉन रूट एल सी, और जो डेल्टा ओमेगा है वो क्या है? हाफ पावर बैंडविड्थ। ये रेशो जितना ज्यादा अच्छा, ये रेशो जितना ज्यादा अच्छा उतना सर्किट की क्वालिटी अच्छी। मतलब इस रेशो को बढ़ाने के लिए तो डेल्टा ओमेगा को कम से कम रखना पड़ता है। इसका मतलब कर्व जो है वो शार्प बनना चाहिए। समझ में आई बेटा बात? तो अभी हम इसके जस्ट बाद डिराइव करेंगे डेल्टा ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे किसी भी सर्किट का, किसी भी, क्योंकि सर्किट में होते तीन कंपोनेंट हैं आर एल और सी, तो उसके बेसिस पे डेल्टा ओमेगा कैसे फाइंड करना है वो इसके जस्ट बाद वाला है। ये सबको समझ में आया बेटा? एवरीवन क्लियर? यस यस सर। सर ठीक है, तो यस लिख सर। लो।